मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। साल 2020 एक के बाद एक झटके दे रहा है और एक बड़ी खबर बॉलीवुड जगत से सामने आ रही है। खबर यह है कि जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक हुआ है। हालांकि 2:30 बजे के आसपास की खबर बताई जा रही है जब रेमो डिसूजा को दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया था। उनकी हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही थी, जिसके बाद खबर यह भी मिल रही है कि उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। फिलहाल उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। जो अभी ताजा अपडेट्स मिल रही हैं हॉस्पिटल से, वो ये मिल रही हैं कि उनकी सेहत में फिलहाल सुधार हो रहा है और चिंता की बात नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर रेमो के फैंस लगातार प्रे कर रहे हैं, रेमो के लिए ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस लौट आए। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त अस्पताल में रेमो के साथ उनकी पत्नी मौजूद हैं और इस बात की जानकारी कि उनको हार्ट अटैक हुआ है जाने माने जो फिल्म मेकर हैं अहमद खान, उन्होंने दी है और उन्होंने ये भी बताया है कि फिलहाल रेमो की हालत में सुधार हो रहा है। बता दें आपको, डांस के लिए जाने जाते हैं, रियलिटी शोज को जज करते हैं, कई गानों को कोरियोग्राफ कर चुके हैं रेमो डिसूजा। इन सबके अलावा कई फिल्में बना चुके हैं और जो डांस फ्रेंचाइजी फिल्म उनकी है ABCD, उसके अगली सीरीज को लेकर वो फिलहाल काम कर रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा थी कि वो जल्द ही इस सीरीज के साथ सामने आएंगे और इसी बीच इस तरह की खबर उनके फैंस को परेशान कर रही है, हैरान कर रही है और यही वजह है कि उनके लिए दुआएं सोशल मीडिया पर की जा रही है। ना सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स बल्कि कई ऐसी दिग्गज सेलिब्रिटीज हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जो रेमो के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। बता दें आपको, हॉस्पिटल में रेमो से मिलने वालों की भीड़ भी जमा हो गई है। हॉस्पिटल के बाहर उनके फैंस खड़े हैं और साथ ही साथ सेलिब्रिटीज भी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो आने वाले कुछ दिनों में उनको जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा क्योंकि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। लेकिन जिस वक्त ये खबर आई कि हार्ट अटैक आया है रेमो डिसूजा को, समझ लीजिए कि उनके फैंस बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और इसका जो पूरी तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी। बहरहाल फिलहाल उनकी सेहत में सुधार हो रहा है।